देखिए, बिहार के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पार्टी के हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और अपने तमाम नेतृत्व के आदेश से विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेवारी मिला उसका हमने निर्वाहन किया। 20 माह तक उस मंदिर के पुजारी के रूप में जो बन सका हमने वहाँ ईमानदारी से, निरपेक्ष भाव से अपने कार्य को, बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है उसकी सेवा में लगे रहे। 20 माह के बाद, राजनीतिक परिवर्तन के बाद आज अपनी माँ की गोद में आए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में अपने शीश को नवाकर इनके सानिध्य में अपने शीर्षस्थ नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कि आपने जो जिम्मेवारी दिया एक सैनिक के रूप में, जो आदेश कमांडर का मिला ईमानदारी से निर्वहन किया, राष्ट्रवाद के प्रति, अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति और बिहार के प्रति, सभी लोगों के प्रति जो हमारा संस्कार मिलता है परिवार से, जिस परिवार से हम सभी आते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उस परिवार के संस्कार के रूप में सदन में भी हमने सभी को लेकर चला। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का महामंत्र के द्वारा बिहार को बेहतर करने का हमने जो संकल्प लिया है उसको आगे बढ़ाया। देखिए, बिहार के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पार्टी के हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और अपने तमाम नेतृत्व के आदेश से विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेवारी मिला उसका हमने निर्वहन किया। 20 माह तक उस मंदिर के पुजारी के रूप में जो बन सका हमने वहाँ ईमानदारी से, निरपेक्ष भाव से अपने कार्य को, बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है उसकी सेवा में लगे रहे। 20 माह के बाद, राजनीतिक परिवर्तन के बाद आज अपनी माँ की गोद में आए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में अपने शीश को नवाकर इनके सानिध्य में अपने शीर्षस्थ नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कि आपने जो जिम्मेवारी दिया एक सैनिक के रूप में, जो आदेश कमांडर का मिला ईमानदारी से निर्वहन किया, राष्ट्रवाद के प्रति, अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति और बिहार के प्रति, सभी लोगों के प्रति जो हमारा संस्कार मिलता है परिवार से, जिस परिवार से हम सभी आते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उस परिवार के संस्कार के रूप में सदन में भी हमने सभी को लेकर चला। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का महामंत्र के द्वारा बिहार को बेहतर करने का हमने जो संकल्प लिया है उसको आगे बढ़ाया। अपने कार्य